फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं मैनचेस्टर, क्योंकि हम मैनचेस्टर से लिवरपूल की तरफ जाएंगे घूमने, डे ट्रिप करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे होटल के पास ही ट्रेन स्टेशन है, तो ट्रेन में करके जाएंगे क्योंकि बहुत पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है लिवरपूल, तो डे ट्रिप करने वाले हैं। तो चलिए हम कैसे डे ट्रिप करते हैं आपको भी दिखाते हैं, लेट्स गो। सो हम यहाँ पर अभी इतनी गर्मी लग रही, मेरा फेस देख के पता चल रहा है, हम लीड्स जाने से पहले स्टेशन में बहुत भूख लग गई थी, तो हम एक यहाँ पर एक अच्छा सा ही रेस्टोरेंट है, ये नाम क्या है, द मिल, ये मैंने लीड्स पे भी देखा था, ये वाला स्टेशन पे ही था वो, तो यहीं पर थोड़ा खा पी लेते हैं फिर यहाँ से निकलते, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है, सो इट्स फाइन, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। तो हम खाने के बाद निकल ही चुके थे, फिर वहाँ पर बोर्ड में जो टेबल है कि मतलब कितने बजे ट्रेन है वो देखने गए, तो हमने देखा कि ट्रेन लेट चल रही है, तो हम थोड़ा इधर उधर ही घूम रहे हैं, और सडनली फिर देखा कि ट्रेन का टाइम हो चुका है, तो अब हम ट्रेन में बैठे। सो हम फाइनली ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन इतनी लेट है, लेट थी मतलब 1:37 का था पूरा, लेकिन 40 मिनट्स लेट था, लेकिन वहाँ पर दिखा रहा था कि 2:37 एक घंटे, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा जल्दी मिल गया है, और हमने नॉन रिफंडेबल टिकट लिया था तो हम इसे कुछ कर नहीं सकते थे, मतलब रिटर्न नहीं होता शायद, लेकिन उन्होंने हम लोगों ने वहाँ पर वो पीटी जो रहते हैं वहाँ से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम चाहे तो मतलब नेक्स्ट ट्रेन भी ले सकते, वो ऑप्शन है अगर ट्रेन कैंसिल होती है, तो फाइनली ये मिल तो गई है, अब देखते टाइम पर पहुँच जाए, वही बहुत है। और ये ना मतलब ऑल स्टॉप नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ये वाला ट्रेन लिया था। तो ये व्यू है स्टेशन से उतरने के बाद, बाहर का व्यू, बहुत भीड़ है वैसे। अब हम पहुंच चुके हैं लिवरपूल, अच्छा सिटी है, सिटी सेंटर, हाँ सिटी सेंटर के पास ही बहुत कुछ है, इधर अच्छा लग रहा है, ये देखिए पीछे कुछ है, ये तरफ है, और ये जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है इसी के नीचे स्टेशन था, मतलब अंदर से आप जा सकते हो उधर है मैनचेस्टर का, तो हम होटल के पास से कहाँ से आए थे हमें पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन ये वाला बहुत बड़ा है, मतलब इसका स्टेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, लोकेशन भी बहुत अच्छा है इसका, ये देखिए वो है स्टेशन। हम यहाँ से सिटी के पास से वॉक करते हुए जा रहे हैं, एक्चुअली हमें देखना है बीटल्स, द बीटल्स का जो स्टैचू है उसके लिए, तो यहाँ से वॉक कर रहे थे, ये बिल्डिंग्स सारे अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ का नहीं कुक स्ट्रीट है, पता नहीं कुक स्ट्रीट का मतलब मैंने ये नाम मतलब कहीं सुना है या कुछ मेरे दिमाग में था बट पता नहीं, लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पर। तो ये स्टैचू पूरा एकदम पियर के पास है, व्यू बहुत अच्छा है, तो हम वॉक कर, 15 मिनट्स का वॉक था, तो हम सिटी घूमते घूमते यहाँ पहुँच गए।
पे इतनी धूप थी कि क्या बोले आपको, बहुत धूप थी। अभी तक लोग चढ़ रहे हैं, अभी तक क्रूज स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये रिवर के साइड से ना व्यू, जो ये सिटी का व्यू है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं जो आपको बीटल्स का वो स्टैचू दिखा रही थी, उसके बाद ये वाला हम लोगों ने क्रूज टूर लिया, 50 मिनट्स का है, ऑलमोस्ट 1 आवर की तरफ ही। तो और ये बहुत मतलब चौड़ी वाली रिवर है। रिवर का नाम क्या है? मर्सी रिवर। अच्छा, मर्सी फेरी है। हाँ, बहुत चौड़ी है एकदम रिवर, बहुत बड़ा। हाँ, मतलब ज़्यादा ही बड़ा है ये, तो इसलिए हम सोचे कि चलो यहाँ पर थोड़ा क्रूज करते हैं और यहाँ का साइड सीन करते हैं एकदम। और यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। ये लोग ना रिवर के उस पार भी लेके जाते हैं, मतलब आप चाहो तो वहाँ भी उतर सकते हो, या फिर आप जस्ट बैठे रहो, फिर ये राउंड ट्रिप करके वो सेम जगह पर ही आपको उतार देंगे जहाँ से आप चढ़े थे। और लोग कभी कभार है कि यहाँ से क्रॉस करते हैं तो उस साइड देखना है क्या है नहीं है, तो इसके लिए भी ये क्रूज़ मतलब जो है यूज़ करते हैं इसको। हमारा टूर हो गया है, ये अब घूम 50 मिनट्स का ना ठीक था, थोड़ा रिलैक्स किए हम बैठ बैठ के। तो अब जा रहे हैं थोड़ा कॉफ़ी या कुछ खाने या पीने, क्योंकि बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ चाहिए अभी कुछ खाने के लिए। तो चलते हैं फिर थोड़ा यहाँ पर साइड सीन और करेंगे। तो चलिए, तो हमें आसपास कोई कॉफ़ी और कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कुक स्ट्रीट के तरफ ही जा रहे हैं। वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स लगे हुए थे, मैंने देखा था पहले, तो यहाँ हमें मिल गया एक रेस्टोरेंट। बस हमें जस्ट थोड़ा स्नैक्स पार्टी करना था। स्ट्रीट था ना, ये सीरियसली बहुत हैपनिंग है। और ये बहुत फ्राइडे है आज, एक्चुअली फ्राइडे है बोल के, और भी ये पब्स पूरे एकदम, एक भी खाली नहीं मिल रहा था, और गाने भी बहुत ज़ोर शोर से चल रहे थे, एकदम हैपनिंग स्ट्रीट है। Thank you.
ये लोग फ्राइडे हुआ है कि सब पागल हो गए हैं, जैसे सब नाच रहे हैं और इधर इतना पूरा वो स्ट्रीट में म्यूजिक चल रहा है, लाइव म्यूजिक चल रहा है, ऐसे गाने भी चल रहे हैं, पूरी एकदम भीड़ लगी हुई है, लग रहा है कि फ्राइडे नाइट है। तो ये एरिया है, हम सिटी सेंटर के पास आ गए हैं। ये सिटी सेंटर में ना ये बैठने का एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब आप गॉसिप कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ, यहाँ पर चिट चैट कर सकते हो, और उसी के पास था ये अपसाइड डाउन वाला हाउस। तो अचानक से ही हमें देखा तो तोजो तो देख के बहुत खुश हो गया, और सीरियसली ये थोड़ा फनी टाइप का भी लग रहा था। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो, लिवरपूल का वीडियो कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा ये सिटी, और फ्राइडे है बोल के ज़्यादा हैपनिंग भी है यहाँ पर, बहुत अच्छा था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सिटी पे, नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा।